ऐसा लगता है इमाम अपने लिए खेलता है, क्योंकि इमाम इस तरह बैटिंग कर रहा होता है जैसे इमाम को दूसरा चौथा तीसरा ओडीआई खेल रहा है। उसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। पहला वनडे खेला गया, उसमें पाकिस्तान ने जो है ये वनडे जीत लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसानी से जीत लिया, लेकिन जीत लिया। हालांकि जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान की बैटिंग का, पाकिस्तान को ये एक दो ओवर पहले ये ख़त्म, दो तीन ओवर पहले ये ख़त्म कर लेना चाहिए था, लेकिन जो एकदम से बाबर आजम आउट हुए भी उसके बाद जो विकेट्स गिरी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रन्स बनाने का जो एक टाइम था वो स्लो हो गया। सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि मैच की अगर बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, जो विल यंग है उन्होंने 86 रन्स की इनिंग खेली और बड़े ज़बरदस्त उनकी जो है वो परफॉर्मेंस चल रही है। और आई थिंक उन्होंने 10 मैचेस खेले, 10 मैचेस में 200 कर चुके हैं और 50 की उनकी एवरेज है। इसका मतलब ये है कि उनका जो ओडीआई का जो कैरियर है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जो मिचल्स हैं, उन्होंने डेरन मिचल, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 100 रन की इनिंग खेली। देखिए ये चीज़ तो समझ आती है कि इस ग्राउंड में अगर आप सेट हो जाएं तो फिर आपको आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने पीएसएल से ये चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं। बल्कि पीएसएल के अलावा भी जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट या वनडे या टी20 क्रिकेट जितनी भी यहाँ खेली गई है इस ग्राउंड में, उसमें बैट्समैनों की तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े रहे हैं। टोटल जो है 288 का दिया गया। आई थिंक मेरे हिसाब से इस ग्राउंड के हिसाब से ये रन्स कम थे, क्योंकि तकरीबन ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम फर्स्ट टाइम खेल रही है, उनको शायद उन्होंने ये समझा कि अपने हिसाब से वो खैर खेलते रहे, वो ये समझ रहे थे शायद 288 ज़्यादा, लेकिन इस जगह के हिसाब से कम अज़ कम आपको 300 प्लस या 350 रन आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट मैच जो है उसमें देखते हैं फिर, अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये कितने रन जो है वो चेस करती है। टारगेट जो मिला पाकिस्तान को, उससे बात करने से पहले नसीम शाह की बॉलिंग की बात करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, एक लेंथ इतनी आला हिट कर रहे थे वो, बड़ा अच्छा उन्होंने नए बॉल का यूटिलाइज़ किया। उनका बॉल स्विंग, आउट स्विंग, इन स्विंग बहुत ज़बरदस्त हुआ, और इस पिच के हिसाब से जिस किस्म की पिच चल रही थी, इतना ज़बरदस्त बल्ले पे बॉल आ रहा था, उस हिसाब से 10 ओवर में 29 रन देना, 2 आउट करना, ये बहुत ही टॉप क्लास की बॉलिंग है। उसके अलावा हम शाहीन की बात करते हैं, उन्होंने 60 से ज़्यादा रन किया, आउट तो दो किए लेकिन एक्सपेंसिव रहे। हारिस ने भी 60 रन तकरीबन दिए, वो भी एक्सपेंसिव जो है वो रहे। शादाब भी थोड़े बहुत एक्सपेंसिव रहे। इनको थोड़ा सा नेक्स्ट मैच में देखना पड़ेगा कि जो बैड बॉलिंग हो रही है ये ना हो। अब दूसरी तरफ मैं बात ज़रा इमामुल हक की मैं करना चाहता हूँ। मुझे बार बार लोग कहते हैं कि जी आप इमामुल हक की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं भी उनकी बैटिंग की इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ, ठीक है। मैं ये बात नहीं करता, मैं एजेंडे के तौर पे या बिलावज उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि उनको खेलते हुए तकरीबन उनके 57 मैचेस हो गए। जिस प्लेयर के 57 मैचेस होते हैं, उस प्लेयर के अगर सेंचुरियाँ भी काफ़ी हो गई हैं, तो उसको किस चीज़ का घबराना है, मुझे समझ नहीं आती। इमाम की बैटिंग देख के एक चीज़ क्लियर नज़र आती है, और मैं प्रूफ आपको दूंगा कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि इमाम अपने लिए खेलता है। मुझे एक चीज़ फील होती है, क्योंकि प्रूफ नज़र आता है, ऐसा लगता है इमाम अपने लिए खेलता है, क्योंकि इमाम इस तरह बैटिंग कर रहा होता है जैसे इमाम को दूसरा चौथा तीसरा ओडीआई खेल रहा है। उसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। इमाम ने 900 किए हैं, ठीक है। अब हर 100 जो भी बताऊँ उसकी बॉल्स देखिएगा, ठीक है। इमाम ने पहला 100 किया 125 बॉल खेल के, इमाम ने 128 रन किए दूसरा 100 जो किया 134 बॉल खेल के, उसके बाद इमाम ने फिर 100 किया 113 रन करके आउट हुए 122 बॉल पे, उसके बाद फिर इमाम ने 110 रन किए 105 बॉलों पे, सिर्फ 5 बॉल जो हैं वो कम थी। उसके बाद इमाम ने 101 रन किए 116 बॉल पे, ये भी बॉल ज़्यादा। फिर उसके बाद ये जिस इनिंग की बार बार मैं बात करता हूँ कि एक दो इनिंग है जिसमें इमाम ने रन ज़्यादा किए बॉल्स कम है, 151 रन किए 131 बॉल्स पे, ठीक है। उसके बाद इमाम ने 100 रन किए 100 बॉल्स पे, फिर उसके बाद इमाम ने 103 किए 96 बॉल पे, सिर्फ 13 बॉल्स कम। उसके बाद 106 किए 97 बॉल्स पे, 11 बॉल्स कम।
ये भी जो उसने 200 की, ये भी कोई बॉल्स में इतना डिफरेंस नहीं है, ये ओपनर है, ठीक है। उसके बाद इमाम की मैं 50s की बात करता हूँ, 1550 की है उन्होंने, ठीक है। अब 1550 की आप बॉल्स देख लें, पहला 50 किया 69 बॉल पे, फिर उन्होंने 80 किया 104 बॉल्स पे, फिर उन्होंने 83 रन किए 105 बॉल पे, फिर ये 86 रन किए 101 बॉल पे, फिर 71 रन किए 91 बॉल्स पे, फिर 53 रन किए 75 बॉल्स पे, फिर 58 रन किए 75 बॉल पे, फिर 70 रन किए 80 बॉल्स पे, फिर 57 रन किए 73 बॉल्स पे, ये फिर 56 रन किए 73 बॉल पे, फिर 89 रन किए 100 बॉल्स पे, फिर 65 रन किए 71 बॉल्स पे, फिर 72 रन किए 72 बॉल पे, फिर 62 रन किए 68 बॉल्स पे, और आज जो उन्होंने बैटिंग की वो 60 पे आउट हुए 65 बॉल्स खेल के। ये मैं 100 और 50 जो आपको मैंने बताया, ये इतने इतने रन करके आउट हुए, बॉल्स देखें इनकी ज़्यादा है। उसके बाद जितने इन्होंने 40 किए हुए, ठीक है, 40 और 50 के दरमियान जो उन्होंने रन्स करके आउट हुए उनकी बॉल्स देखें आप। पहला जो 45 किया हुआ है, जिस 45 रन के आउट हुए वो 64 बॉल्स पे, 44 रन्स करके आउट हुए 51 बॉल्स पे, 46 रन्स पे आउट हुए 72 बॉल्स पे, 42 बॉल्स पे रन्स पे आउट हुए 68 बॉल्स पे, 44 रन्स पे आउट हुए 58 बॉल पे, 49 रन्स करके आउट हुए 61 बॉल्स पे। अब मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने 50 किए वो भी बॉल्स गिना दी, जो उन्होंने 100 किए वो भी बॉल्स गिना दी, जो 40 और 50 के बीच में आउट हुए वो भी बॉल्स गिना दी। अब मुझे बताएं इस प्रूफ के साथ क्या आपको लगता है, या क्या मुझे लगता है कि इमाम अपने लिए नहीं खेलता? मतलब 57 रन मैचेस होने के बाद आप कहते हैं जी बाबर आजम को एक टीवी चैनल पे बैठ के कि जी बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए। तो इमाम उलग साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपको, आप ये जो खेल रहे हैं अपने लिए, तो क्या आपको अपना स्ट्राइक रेट ठीक नहीं करना चाहिए? आपको क्या ऐसे नहीं खेलना चाहिए, रन्स करें, बॉल्स कम हो, रन ज़्यादा हो, ठीक है, ये चीज़ें आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मिसबाह उलग ने तकरीबन 42 जो हैं वो 50 किए हैं, ठीक है, 100 कोई नहीं है मिसबाह का, 42 50 जो किए उस पे से मिसबाह की 2-3 इनिंग्स ऐसी होंगी जिसमें 50 जो किए उसकी बॉल्स कम है, वरना बॉल्स ज़्यादा है। तो मैं क्या बोलूँ कि मिसबाह और इमाम उलग में फिर कोई फ़र्क नहीं है? तो मैं क्या आज से नाम जो इमाम उलग का भी टुक टुक डाल दूँ, जिस तरीके से मिसबाह को डाला हुआ था? मिसबाह के पीछे बिला वजह हम लोग पड़े हुए थे, वो तो फिर भी नीचे के नंबर्स का प्लेयर था, वो जब बैटिंग करने आता था उस टाइम हमारी जो टीम की हालात थी, हालात थे, उसके बाद वो जाके बैटिंग करने आता था। इमाम उलग साहब आप तो ओपनर हैं, आप तो वहाँ भी अपने लिए खेलते हैं, आपके पास पूरा सर्किल होता है, आपके पास पूरा टाइम है। लोग कहते हैं जी 100 करो, भाई 100 कर रहा, लेकिन ये क्या है, ये क्या है? इसको तो देख के लगता है ये अपने लिए जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद बाबर आजम के लिए तारीफ करता हूँ कि 12 रन जो उनके, 12,000 रन जो उनके हो गए वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद आज 49 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो आउट हो गए। रिजवान ने 42 रन की इनिंग खेली। कुछ मतलब घटिया किस्म के इंसान या लोग समझ ले जो कह रहे थे इस मैच से पहले, वो क्या हाफ फिट भी खेलेगा क्या रिजवान, अब ये पाकिस्तान का वो हो गया क्या? तो हाफ फिट में ही उसने 42 रन कर दिए, वो फिट होता तो फिर 142 शायद वो कर देता। और इस मुल्क में जो घटिया लोगों की जो परसेंटेज है, जो मुझे लगता है क्रिकेट के हिसाब से मुझे जो लग रहा है, घटिया लोग शायद कोई ऐसे आ गए हैं जिनको ना समझ है ना कुछ है, आके बस अपनी दुकान चमकाई जा रही है। खैर नहीं, मुंह पे मुंह बंद किए जा रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स इन घटिया लोगों की। और लेट्स सी, देखते हैं अगला जो वनडे खेला जाता है वो कैसे खेला जाएगा, क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इससे बेहतर होगी या नहीं होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।